बेसिकली दांत का स्केलिंग, डेंटल स्केलिंग या दांत की सफाई. स्केलिंग यानी क्या? दांत की सफाई कब की जाती है और क्यों की जाती है. एक नॉर्मल मिथ यानी एक ऐसे डर है कि दांत की सफाई से दांतों का प्रोटेक्टिव लेयर घिसा जाता है और दांत खराब हो जाते हैं, इसीलिए हम डरते हैं कि दांतों की सफाई के लिए ना जाए. लेकिन ये एक मिथ और डर अपने मन से अभी निकाल देना है, क्योंकि ये बहुत ही गलत है. दांतों की सफाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. साल में 2 बार स्केलिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने दांतों के सफाई के लिए, दांतों के स्वास्थ्य के लिए. इसको बोलते हैं ओरल प्रोफिलैक्सिस या फिर डेंटल स्केलिंग एंड पॉलिशिंग. नॉर्मल ब्रशिंग हम रोज करते हैं, सुबह और शाम करना जरूरी है, लेकिन एक जो डेंटल स्केलिंग है वो स्पेशलाइज्ड अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट से दांतों की सफाई की जाती है, मसूड़ों की सफाई की जाती है, और जो सिर्फ आपके डेंटिस्ट कर पाते हैं. और जो प्रोफेशनल ये ओरल प्रोफिलैक्सिस है वो एक स्पेशलाइज्ड क्लीनिंग प्रोसीजर से आपके दांत अच्छे होते हैं. डेंटल स्केलिंग क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें बेसिकली इम्पॉर्टेंट है कि जो दांत में मवाद है, दांत में जो बेसिकली पत्थर जम जाता है और मसूड़ों में पत्थर जम जाते हैं, वो ब्रश के अकॉर्डिंगली नहीं जाता. तो इसीलिए डेंटल स्केलिंग क्यों किया जाता है? ये डेंटल स्केलिंग किया जाता है ताकि हम जो बेसिकली अल्ट्रासोनिक टिप्स के अराउंड वो पूरे के पूरे पत्थर निकाल देते हैं, मसूड़ों का फोर्स्ड वाटर डाल के मसूड़ों का इंटरनल क्लीनिंग करते जो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं होता. ऑल्सो कभी कभी वो मसूड़ों के अंदर जाके वो टिप्स इतने फाइन रहते हैं कि मसूड़ों के अंदर जाके वो अच्छे से क्लीन हो जाता है. बेसिकली दांतों के अंदर जो पत्थर जम जाते हैं, मसूड़ों के अंदर जो सूजन हो जाती है, रक्त हो जाता है, तो उसे साफ करना जरूरी है. हमारे पास स्पेशलाइज्ड अल्ट्रासोनिक स्केलर्स बोलते हैं जिसके अलग अलग टिप्स रहते हैं, तो वो स्केलर टिप्स जो है वो स्केलर टिप्स लगा के फिर हम दांतों के अंदर पानी का फोर्स डाल के हम स्केलर टिप्स के थ्रू यानी छोटे छोटे जो स्केलर टिप्स रहते हैं वो स्केलर टिप्स के थ्रू हम दांतों की सफाई कर सकते हैं. तो वो जो सफाई है वो हर एक दांत के अराउंड करके और मसूड़ों के अंडर जो धीरे 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 करके पानी का फोर्स डाल के हम अलग अलग टिप्स के साथ वो दांतों की सफाई करते, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग. नॉर्मली एज आई सेड अमेरिकन रूल है कि वंस अ ईयर और थंब रूल इज ट्वाइस अ ईयर, बट एक बच्चों के लिए 3 months एवरी 3 months बाय टिल द एज दैट दे आर अचीव्ड 18 years, यानी बच्चों को 18 years तक हमें एटलीस्ट 3 months एवरी 3 months स्केलिंग करना जरूरी है. एक एडल्ट के लिए एवरी 6 months क्लीनिंग जरूरी है, लेकिन जब हमें लगा कि हमारे मसूड़ों से रक्त आने लगा है और 6 महीने नहीं हुए हैं, तो हमें अपने डेंटिस्ट को जाके दिखाना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली हम रेगुलर माउथ वॉशेज यूज नहीं करते, हम रात की ब्रशिंग नहीं करते, तो इसीलिए हमें स्केलिंग करना मैंडेटरी है 6 महीने में. दैट मीन्स ट्वाइस अ ईयर जाना जरूरी है बिना कोई तकलीफ हुए. हमें वापस स्केलिंग कब कराना है वो हमारे पे डिपेंड है. अगर हम स्केलिंग कराए और हम ब्रश ना करें, हमारे दांतों का शायद ध्यान न रखें, तो हमें शायद 1 हफ्ते के बाद ही दूसरी स्केलिंग कराना जरूरी है. ये हम नहीं रियलाइज करते कि स्केलिंग एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट है. तो हम स्केलिंग करेंगे 6 months के बाद, एक मैंडेटरी स्केलिंग अपॉइंटमेंट जरूरी है दांतों के स्वास्थ्य के लिए, लेकिन वो 6 महीने में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दांतों को कैसे ध्यान रखें, दांतों की कैसे प्रॉपर ब्रशिंग करें. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम माउथ वॉश यूज करें और हम अच्छे से दांतों का स्वास्थ्य मेंटेन करें. ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें स्केलिंग कराने के पहले नहीं करना चाहिए, लेकिन स्केलिंग कराने के बाद क्या करना चाहिए वो मैं आपको बोल सकती हूँ. स्केलिंग कराने के बाद नंबर 1 थोड़ी सेंसिटिविटी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें एक मेंटल प्रेपरेशन हुआ कि थोड़े से दांत को सेंसिटिविटी है, यानी बहुत ठंडा या बहुत गर्म हम थोड़ा 2-3 दिनों के लिए नहीं.
स्केलिंग कराने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि माउथ वॉश का यूज, यानी एक रेगुलर माउथ वॉश यूज फॉर 15 डेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी सी वार्म गार्गलिंग भी हम कर सकते हैं जो हमें थोड़ी राहत दे, और एक जेल आता है हम नॉर्मली प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो जेल को मसूड़ों में मसाज किया जाता है, यानी हम क्लीनिंग करने के बाद हमारे मसूड़ों को कैसे अच्छे से हेल्दी रखे वो एक जरूरी बात है। टीथ स्केलिंग के बाद कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एज मैंने बोला कि टीथ स्केलिंग के बाद आपका माउथ बहुत क्लीन और अच्छा फील हो सकता है। हमें वो डर निकाल देना चाहिए कि हम क्लीनिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें दांत में प्रॉब्लम हो जाएगा या फिर हमारे दांत घिस जाएंगे, अच्छे दांत खराब हो जाएंगे, ये सब गलत फहमियां हैं। दांत क्लीनिंग के बाद एक बहुत ही क्लीन, जैसे हम स्पा कैसे करते हैं वैसे दांत क्लीनिंग के बाद एक डेंटल स्पा फीलिंग, आई ट्रस्ट यू बिलीव दैट यू विल गेट अ डेंटल स्पा फीलिंग आफ्टर द क्लीनिंग। अभी नॉर्मल जो ओरल प्रोफिलैक्सिस हम करते हैं वो नॉर्मल ओरल प्रोफिलैक्सिस में पेनफुल नहीं होता, लेकिन अगर हमें मसूड़ों में सूजन हो गई है या फिर स्वेलिंग हो गई है तो, और दर्द हो रहा है, सेंसिटिव हो रहे हैं दांत, तो फिर उसमें सेंसिटिविटी हो सकती है। एक नॉर्मल स्केलिंग के बाद रफली एक 2 या 3 दिन के लिए अगर हमें सेंसिटिविटी हो तो वो एक नॉर्मल आई वुड से हीलिंग प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी अगर दांतों में और मसूड़ों में सड़न ज्यादा है या फिर मसूड़ों में जो है वो बेसिकली स्वेलिंग ज्यादा है, तो उसके लिए ये जो है इसको बोलते हैं स्केलर। ये जो है वो स्केलर है वो मशीन में हम कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो है वो अलग अलग टिप्स है, तो ये जो अलग अलग टिप्स है वो मसूड़ों के अंदर जाता है, ये जो है मसूड़ों के फाइन टिप्स है जो मैंने बोला, ये अलग 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 मसूड़ों के टिप्स है जो मसूड़ों के अंदर जाके क्लीन करता है, जिसके वजह से थोड़ा एक डिस्कम्फर्ट, थोड़ा एक ब्लीडिंग जो मसूड़ों में हो सकता है, और ये जो ब्लीडिंग है वो एक 2 या 3 दिन में कंट्रोल हो जाता है। डेंटल स्केलिंग के साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, हाँ थोड़ी सेंसिटिविटी और ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, यानी मसूड़ों से थोड़ा रक्त आ सकता है थोड़े दिनों के लिए, डिपेंडिंग ऑन आपकी मसूड़ों की हालत या हेल्थ कैसे है। अगर मसूड़ों की बहुत हेल्थ खराब है, यानी सूजन हो गई है, अंदर बहुत सारा पत्थर जमा है, तो थोड़ी सेंसिटिविटी 1 हफ्ते तक हो सकती है।